देखो ही लोग को, अभी लोग का मोदी जी के ज्ञान से सुलग रहा है। मोदी जी बच्चा लोग को इतना ज्ञान काहे दे दिए? वो दिए नहीं, वो परीक्षा पे चर्चा जो किए, वो बच्चा लोग को बताए ना, वो मुश्किल सवाल पहले करो और वो आसान वाला बाद में। ये लोग का बकवास कर रहा है, बोला वो जो जिंदगी में खुद कभी मुश्किल सवाल फेस नहीं किए वो बच्चा लोग को सलाह दे रहा है, तो काहे नहीं दे सकते? वो बैल ब्याएगा नहीं तो कब बूढ़ा नहीं होगा वो? और जो लोग के शादी नहीं होते वो बारात बहुत किए होते हैं। असल में ये लोग का ना, ये सब एंटी नेशनल का ही, ये मोदी जी के ज्ञान से सुलग रहा है। इतना ज्ञान कैसे हो गए? मोदी जी कोनो नॉर्मल इंसान नहीं है, एब नॉर्मल एब नहीं है कोई, कोनो मेहनत किए हैं पूरा। इस वजह से पता है भगवान जी भी जब ऊपर से देखते होंगे ना, वो सोचते होंगे वो कि ये हम तो इतना ज्ञान दे के भेजे नहीं, ये कहाँ से ले लिए? ऐसा लिए हूँ दुनिया में दूसरा कोनो इंसान नहीं है इतने नहीं, एक ठो है वो कंगना रनौत। कंगना रनौत को इतना नॉलेज जितना मोदी जी को, इसी वजह से दोनों एक दूसरे को लाइक करता है। और ये लोग का सुलगता है इस सब का, इस सब एंटी नेशनल का, मोदी जी और कंगना रनौत को देख के आग लग रहा होता है। इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, हम बताने लगे ना तो एक कोरोना खत्म हो जाएंगे, मोदी जी का ज्ञान खत्म नहीं होंगे। अब मोदी जी का गलती है, इतना ज्ञान हो गए तो मोदी जी क्या करें, इतना ज्ञानी है तो इतना सारा ज्ञान दिया ना, सबसे बड़का तो नाले के गैस से चाय वाले। ये देखो ये सब दिखा देंगे आज, ये लोग का सबका मुंह बंद कर देंगे। ये देखो बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। देखे ऐसा ऐसा ज्ञान दिए हैं। और वो वाला ऑक्सीजन में से पानी अलग करने के, वो जो विदेशी फॉरन वाले आदमी को दिए, ये देखो। दूसरा मेरा सुझाव है, आप दिखा देंगे यार, कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टर्बाइन के माध्यम से ही, अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए। सब दिखा देंगे आज, वो भी दिखाएंगे वो क्लाउड के बेनिफिट, क्लाउड के बेनिफिट के थ्योरी। इधर मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। ये तो कुछ नहीं है, डिजिटल कैमरा के वो दुनिया में नहीं रहे ना, अपने ज्ञान से अपना नॉलेज से पहले ही ले लिए मोदी जी, और ईमेल भी भेज दिए, फोटो खींचे और ईमेल, दुनिया में नहीं रहे उससे पहले ही। ये देखो मैंने पहले ऐसे होते हैं डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से, और उस समय बहुत कम लोगों पर ईमेल देखो था। क्लाइमेट चेंज वाले सब दिखाएंगे सब। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, हम चेंज हो गए हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान दिए हैं। और वो चेतक के मम्मी वाले घोड़े रहे ना, वो महाराणा प्रताप के, कब का बात है, मोदी जी को वो भी पता है मम्मी कहाँ के रहे। ये देखो जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी माँ गुजराती। देख लिए जिनाबल लोग का भी पता है, आदमी का ही नहीं खाली। अटल बिहारी वाजपेयी ईवीएम, ईवीएम तो बाद में बने, अब मोदी जी पहले ही आविष्कार कर दिए। सुनो ये देखो 84 में हमारा भी पराजय हुआ। सब दिखाएंगे आप, फाड़ लो सब अपना एंटी नेशनल, सब देखो ही। लेकिन हमने चुनाव हारने के बाद ईवीएम मशीन को गालियां देकर के अपनी चमड़ी बचाने का काम नहीं किया। ये होते हैं ज्ञान, समझे? इतना बड़का बड़का नाली जा मोदी जी को सारा दिखाने लगे ना, शाम हो जाएगा यहीं। वो भी दिखाएंगे वो आम काट के खाते हैं कि वो चूस के खाते हैं, सब दिखाएंगे वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये मोदी जी के ज्ञान पे शक करता है, मोदी जी के ज्ञान पे बाजीराव की तलवार पे शुभम भगवान भी शक नहीं करते, समझे? शक करेगा।